कहता है आईएमडी का पूर्वानुमान। एक नजर डाल लेते हैं मैप की ओर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी देशभर में क्या स्थिति बनी हुई है। लगातार जिस तरीके से पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है, ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल ये जो आज का मैप दर्शा रहा है उससे ये समझ सकते हैं कि यहां पर आंधी तूफान, दिल्ली एनसीआर का जो ये रीजन है, पूरा उत्तर भारत जिस तरीके से सर्द हवा की चपेट में है, यहां पर अब आंधी तूफान की स्थिति लगातार बरकरार है और कई जगह पर कोल्ड डे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, जो ये आप पर्वतीय क्षेत्र देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया और साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये तमाम जगह है जहां पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो जगह है जहां पर लगातार बर्फबारी चल रही है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में आप देख सकते हैं कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आंधी तूफान को लेकर। और साथ ही आप नीचे की तरफ जाएंगे राजस्थान की, और यहां पर भी स्थिति अभी बेहतर नहीं है। वहीं अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो हवा की गति है वो काफी तेज है। तो अब बात करेंगे कि अगले 24 घंटे में देशभर में कैसा रहने वाला है मौसम। यहां पर देखिए, जिस तरीके से आईएमडी के जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि आने वाली 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को मौसम बिगड़ने वाला है, यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, साथ ही दिल्ली एनसीआर का रीजन। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए और साथ ही मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके हैं जहां पर आप स्थिति देख सकते हैं कि हल्की बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं और तेज हवाओं का दौर भी जारी है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो लगातार ना सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ये आप मैप के जरिए समझ सकते हैं कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है। यहां पर पूरी तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर तेज हवाओं के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर बात की जाए असम मेघालय की, तो यहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। फॉग की स्थिति भी लगातार बरकरार नजर आ रही है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि फरवरी का जो पहला पखवाड़ा है यानी कि पहला हफ्ता, वो अभी ठंड की चपेट में है, यानी कि ठंड का जो सितम है अभी देखने को मिलने वाला है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ठंड भले ही देर से पड़ी हो, लेकिन अभी फरवरी का जो पहला हफ्ता है वो सर्द भरी हवाओं से गुजरने वाला है, यानी कि ठंड से अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आने वाली है। लेकिन जिस तरीके से आईएमडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिन तक बारिश का दौर जारी है और साथ ही साथ कई जगह पर ओलावृष्टि की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं, यानी कि जो किसान हैं वो खासतौर पर अपनी फसलों का बचाव करें, सावधानी बरतें, क्योंकि उनकी फसलों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी कुछ दिन पहले भी कई जगह पर ओलावृष्टि हुई थी और साथ ही बारिश का जो दौर था वो लगातार जारी था, लेकिन फिलहाल कुछ हद तक राहत आज नजर आई थी जब हल्की सुबह के वक्त धूप खिली थी। लेकिन आपको बता दें कि 3 से लेकर अगले 5 दिन तक इसी तरीके के हालात बने रहने वाले हैं। तो आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।